हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज आप करांगे गुरु गोविंद सिंह जी दा तीजा शब्द, रे मन ऐसो कर संन्यासा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, हे मेरे शरीर, भी तेनों इस तरह का जो संन्यास धारण करना चाहिए है, जो कि गुरु जी दस रहे हैं। ठीक है जी, तो आओ आप पढ़ते हैं। पहले उन्होंने दो जड़ी शब्द से वो आप कर चुके हैं, मैं आस है कि तुम वो भी समझ आ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलो आओ पढ़ते हैं। आप रे मन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा रहाओ। सब तो पहला आप प्रसंग लिखांगे, की लिखांगे प्रसंग विच, यह काव्य सत्रां साड़ी पंजाबी पाठ पुस्तक काव्य रंग विच दर्ज गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा उच्चारण किए गए शब्द रे मन ऐसो कर संन्यासा विचों लिया गई हैं। इस शब्द विच गुरु जी ने परमात्मा नूं पाउण लई जिहड़ा तरीका है सही, वह सानू बड़े ही वधिया ढंग नाल समझाया है कि सानू जिहड़ा है इस तरीके नाल असीं परमात्मा नूं पा सकते हाँ। ठीक है जी, यानी कि एक वधिया ही योग शब्दावली की वरतों की है। तो हुण आपां इहदी करदे हां व्याख्या। रे मन ऐसो कर संन्यासा, की कहिंदे हन गुरु जी कि हे मेरे मन, अपने मन में संबोधन करते हुए गुरु जी कहते हैं कि हे मेरे मना, तेनों इस तरह का जिहड़ा है संन्यास धारना चाहिए है कि जो तेरे अंदरों तेनों परमात्मा नाल जोड़े। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। भी जे तू परमात्मा नूं पाउण लई योग धारण करना चाहुंदा है, भी तू योगी बनना चाहुंदा है, जे तेरी सोच ये है कि तू सिर्फ योग धार के ही परमात्मा नूं पा सकदा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ बाहरी दिखावे नाल ही योग नहीं धारिया जाता, योग जिहड़ा है वो असी अंदरों धार सकते हाँ अपने सच्चे मन नाल। ठीक है जी, योग धारण करना चाहुंदा है तो केवल बाहरी दिखावे वाला योगी भेस धारण ना कर, सगों एहो जिहा योग धारण करके सारी दुनिया नूं ही तू जंगल समझ लै। जंगल मतलब बन भी, यानी कि जे तू ए सोचदा है भी मैं जंगल जाके ही परमात्मा नूं पा सकदा हाँ, तो दुनिया विच रह के भी तू परमात्मा नूं पा सकदा है, वो सिर्फ तेरे उपर ही निर्भर है कि तू अपने मन नूं किस तरह बनाउणा है। जत की जटा योग को मंजन। ठीक है जी, तो की कहिंदे हन गुरु जी भी भाव जोगियां वाला पहरावा धारण करके जंगलों विच जाण दी कोई लोड़ नहीं, तो संसार विच रह के तू मन नूं योग साधना नाल जिहड़ा है जोड़ सकदा है। अगे कहिंदे हन गुरु जी कि इस तों अगे गुरु जी समझा रहे हन कि सच्चा सुच्चा योग धारण करन लई बाहरी जटावां नहीं, जत की जटा योग को मंजन, भी जिहड़ी जटावां हन वह वधाउण दी तैनूं की है लोड़ नहीं, बल्कि उच्चे सुच्चे आचरण नूं ही तू जटावां समझ। ते परमात्मा दे मिलाप लई सुरत ला के एकागर मन दा इशनान कर, ते अनुशासन रूपी नौ वधा के भाव परमात्मा नूं प्राप्त करन लई उच्चा आचरण। ठीक है जी, एकागर मन नाल सुरती जोड़नी ते अनुशासन विच रहना, ये सारा कुछ की है एक असली योग दा उपदेश है। ठीक है जी, नेम के नखन, नखन मतलब के नौ, नौ अनुशासन रूपी नौ वधाव भाव परमात्मा नूं प्राप्त करन लई उच्चा आचरण। ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, एकागर मन नाल सुरती जोड़नी ते अनुशासन विच रहना जरूरी है। ठीक है जी, नाम विभूत लगाओ, तो फिर अपने मन में वह सिक्ख्या दे जो गुरु वल्लों ज्ञान तेनू बख्शा होया है, ते तेनू की करना चाहिए है ये सारिया चीज़ां धारण करके ते अपने शरीर ते उस परमात्मा दे नाम दी भभूति लानी चाहिए है। भभूत विभूत हुंदी है जिहड़ी स्वाह हुंदी है राख, जिहड़ी कि जोगी अपने शरीर उपर मल के रखते हैं।
ठीक है जी। तो अगे आप करते हैं अगलिया 17। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा। अल्प मतलब कि थोड़ा, आहार हुंदा भोजन, ठीक है जी। सुलभ घट, निंद्रा सोना। की कहिंदे हन गुरु जी इहना प्रसंग? तुसी इहदा उही लिखना जो पहले 17 विच लिखिया है, क्योंकि प्रसंग जिहड़ा हुंदा है उह उही आंदा है, सिर्फ एक लाइना दा जिहड़ा 17 दा उह हुंदा वर्णन हुंदा है, उह असी दसना हुंदा वी इहना विच की वर्णन किता गया है। अल्प आहार सुलपसी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। दया मतलब कि किसी ते दया करनी, क्षमा माफ़ करना, प्रीत प्यार, ठीक है जी। ते सील संतोख सदा निर्बाहो, हैब्रो त्रिगुण अतीत। सील शिष्टाचारी नेक, निर्बाहिबो निर्बाह करना, हैबो होवेगा, ठीक है जी। की कहिंदे हन गुरु जी इन्हां 17 विच कि सच्चे योगी दे नियम बारे दसदे हुए कह रहे हैं गुरु जी? थोड़ा खाना घट सोना, कि एक जिहड़ा सच्चा सुचा योगी है उन्हूं की करना चाहिदा है? घट खाना चाहिदा है, घट ही सोना चाहिदा है, ते घट ही नींद लैनी चाहिदी है, ते उसनूं हमेशा लोड़वंदां ते दया करनी चाहिदी है, ठीक है जी। दूजिआं नूं माफ़ करना चाहिदा है, ते सच्ची सुची प्रीत है जिहड़ी उह पाउणी चाहिदी है। सील संतोख सदा निर्बाहो, भी जिहड़ा अपना सुभाअ है वह निर्मल निमर भरपूर सच्चा सुच्चा दया भरपूर होना चाहिदा है, ठीक है जी। तो ये सारे गुण जिहड़े हन, सबर संतोख वाला जीवन, नेक शिष्टाचारी, ये सारे जिहड़े गुण हन तीनों उहदे विच होने चाहिए हैं। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह ना मन सो लवायो। जिहड़े ये पंज विकार हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि, इन्हां नूं की है अपने मन विच हावी, मन उपर हावी नहीं होण देना चाहिदा, ठीक है जी। तब ही आत्म तत् को दर्शै परम पुरख कह पावै। जे असीं इन्हां चीज़ां दा त्याग करदे हाँ तां ही असीं सच्चे सुच्चे योगी कहावांगे, तां ही परमात्मा नूं उह वेख सकदा है, प्राप्त कर सकदा है, ते उस परमात्मा दी जिहड़ी महिमा है उह दूजिआं नूं वी कह के सुना सकदा है, ते असल आप वी असल योगी बन सकता है, ठीक है जी। ये सी थोड़ी थोड़ा शब्द रे मन ऐसो कर सन्या सा, आस है कि तुहानू समझ आ गया होएगा पूरी तरह, ठीक है बच्चो। इसनू चंगी तरह ध्यान नाल समझो, ठीक है जी। ते जे तुहानू ये वीडियो पसंद आई होवे तां इसनू लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना ना भुलना, ताकि तुसी मेरी आने वाली वीडियोज़ भी सब तो पहला प्राप्त कर सको, ठीक है जी। भुला चुका माफ, धन्यवाद।